डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंस जिनकी रिपोर्टेड वर्ब लेट से स्टार्ट होगी, उन सेंटेंसेस को हम आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट हमें आवश्यक है। पहला, लेट अस आने पर परपोज या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आम सेंटेंसेस में होता है कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिव का यूज करते हैं। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, अगर लेट अस आया तो लेट अस को हम दे शुड में या वी शुड में बदल देते हैं, सिंपल सी बात। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि लेट अस के बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे हिम आ जाए या कोई अदर ऑब्जेक्ट आ जाए, तो रिपोर्टेड वर्ब में रिक्वेस्टेड के साथ कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर हमारे पास आता है पहला सेंटेंस, राम सेड टू मी लेट अस या लेट गो देयर। तो इसमें क्या बनेगा, जैसा कि हमने पहले रूल में पढ़ा, लेट अस को हम कायम में परपोज में या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो यहां पर हम करेंगे राम, फिर क्या हमारा होगा परपोज, राम क्या करेंगे हम परपोज, ई आर ओ ई ओ एस ई डी परपोज, राम परपोज मी। अब क्या करना था, कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना था, दैट फिर क्या करना था, लेट अस को कायम में कन्वर्ट कर देना था, या तो दे शुड में या वी शुड में। तो क्या हो जाएगा, दे शुड गो देयर, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता। यहां पर हम दे शुड की जगह पर वी शुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हरी सेड टू राम लेट्स स्टॉप द वर्क, तो हरी सेड टू को कायम में चेंज करेंगे, सेड टू को हम चेंज करेंगे और पर्पस में एक हो गया, तो हम इस बार सजेस्टेड में चेंज कर लेते हैं, एस यू डबल जी ई एस टी यू डी, हरी सजेस्टेड राम। अब कनेक्टर क्या होगा, वही दैट, कनेक्टर क्या लगाया जाएगा, दैट, और लेट अस को काहे में पहले हमने बदला था दे शुड में, इस बार हम बदल लेते हैं वी शुड में, तो वी शुड हो गया। बचा क्या हिस्सा, स्टॉप द वर्क, स्टॉप द वर्क। इसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस बचा है, इस वीडियो का ये लास्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी लेट हिम डू हिज वर्क, ये डिफरेंट काइंड का है। हाँ, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे ही और सेड टू को हम काय में बदलेंगे। जैसा कि हम पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं कि अगर लेट के बाद कोई अदर ऑब्जेक्ट आता है तो हम इसे रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, तो ही रिक्वेस्टेड मी, फिर क्या हो जाएगा टू, डू और हिज, कौन सा पर्सन आता है, ही से बनता है थर्ड पर्सन, तो ये ऐसे ही रहेगा हिज वर्क। इस सेंटेंस में ही रिक्वेस्टेड मी टू के बाद लेट भी लगेगा जो कि यहाँ पर छूट रहा था। अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, हमने देखा कि अगर हम ऐसे सेंटेंस लेते हैं जिनकी रिपोर्टेड वर्ब लेट से स्टार्ट हो, तो उन सेंटेंसेस में ये चार बेसिक पॉइंट अप्लाई करके हम उन्हें आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहीं पर ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज का जो सिक्स पार्ट है समाप्त होता है। मिलते हैं डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को लेकर के अगले वीडियो